हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी। तो हम बात करेंगे यहाँ पर उत्तराखंड की जो हमने सीरीज चलाई हुई है और परीक्षा वाणी से संबंधित एमसीक्यू हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और जो परीक्षा वाणी के जो यहाँ पर एमसीक्यू हैं, ये प्रीवियस ईयर में जो आई हुए क्वेश्चंस हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 2024 वाला जो एडिशन है आपके लिए हम यहाँ पर लेकर आए हैं। यहाँ के जो क्वेश्चंस हैं उसको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पीसीएस वाला हो, एलटी वाला हो, उन सभी के लिए यहाँ पर ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला यहाँ पर कौन सा है, तो वो है यहाँ पर चमोली। राइट आंसर हमारे पास यहाँ पर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि धरातलीय विन्यास, सेलक्रम और उच्चावचों के आधार पर उत्तराखंड को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में यहाँ पर विभक्त किया गया है, तो वो किया गया है यहाँ पर 8 भौगोलिक क्षेत्रों में यहाँ पर विभक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भूकंप सर्वाधिक तीव्रता का यहाँ पर आया था उत्तराखंड के अंदर, तो वो आया था यहाँ पर चमोली में 1999 में। राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ या स्रोत ऊप जो है पाए जाते हैं, वो मतलब यहाँ पर कुएं मिलते हैं, तो वो मिलते हैं यहाँ पर तराई क्षेत्र में। 2 बार ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, प्री में भी 2002 में और मेंस में 2007 में, तो काफ़ी यूजफुल आपके लिए ये वीडियो यहाँ पर होने वाली है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन उत्तराखंड का जिला नहीं है, तो उत्तराखंड का जो जिला नहीं है वो है यहाँ पर रुद्रपुर। बाकी तीनों ही उत्तराखंड के यहाँ पर जिले हैं। उत्तराखंड में कुल मिलाकर 13 डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तरांचल के निम्न जनपदों में से कौन सा नेपाल की सीमा से यहाँ पर लगा हुआ है, तो नेपाल की जो सीमा से लगा हुआ है वह है यहाँ पर पिथौरागढ़। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा उत्तरांचल का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, तो उत्तरांचल सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो है यहाँ पर नंदा देवी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से उत्तरांचल प्रदेश का कौन सा स्थान पहाड़ों की रानी के नाम से जाना जाता है, तो वो है यहाँ पर मसूरी। मसूरी को यहाँ पर पहाड़ों की रानी के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, किंगरी पिंगरी नीति सेलसाल और धर्रा यहाँ धर्मा यहाँ पर क्या है, तो वो है यहाँ पर दर्रे। तो ये उत्तराखंड के यहाँ पर क्या है, दर्रे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में नाहन पर्वत श्रृंखला कहाँ पर स्थित है, तो ये यहाँ पर स्थित है हल्द्वानी के पास, तो नैनीताल जिले में यहाँ पर नाहन पर्वत श्रृंखला है। एक बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया था कि नाहन पर्वत श्रृंखला किस जिले में है, तो कहाँ पर है, ये नैनीताल में है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा यहाँ पर कौन सा है, तो दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला दर्रा है यहाँ पर सिन्हा दर्रा। एग्जाम में 2004 में, 2016 में और 2023 में ये प्रश्न जो है यहाँ पर पूछा गया है, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर आपके लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में किस जिले के दर्रे से तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार यहाँ पर होता है, तो वो होता है यहाँ पर पिथौरागढ़ जिलों के दर्रों से यहाँ पर तिब्बत और नेपाल के बीच व्यापार यहाँ पर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्न पर्वतों में से कौन श्रेणी सबसे ऊंची यहाँ पर है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे ऊंची श्रेणी है वह है यहाँ पर नंदा देवी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित है, जो बद्रीनाथ है वो चमोली जिले में स्थित है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में राज्यों की सबसे ऊंची हिमाच्छादित पर्वत चोटी कौन सी है, तो वो है यहाँ पर नंदा देवी। नेक्स्ट बात करते हैं, फूलों की घाटी किस क्षेत्र में यहाँ पर पड़ती है, तो जो फूलों की घाटी है वो वृद्ध हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर पड़ती है। तो हिमालय को हमने 4 भागों में डिवाइड किया हुआ है और अलग अलग पीरियड में जब जब यहाँ पर इनका निर्माण हुआ तो उसी के हिसाब से जो है वृद्ध हिमालय क्षेत्र में यहाँ पर फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि राज्य में दून कहा जाता है, तो राज्य में जो दून है उनको कहा जाता है यहाँ पर संरचनात्मक घाटियों को राज्य में दून कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, उत्तराखंड का कौन सा क्षेत्र भूस्खलन के मामले में अत्यधिक सुविधता के जोन में यहाँ पर आता है, तो वो आता है यहाँ पर भारतीय हिमालय क्षेत्र। राइट आंसर जो होगा हमारे पास वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से कौन सा दर्रा बागेश्वर और पिथौरागढ़ को यहाँ पर जोड़ता है, तो जो बागेश्वर और पिथौरागढ़ को जोड़ता है वो है यहाँ पर ट्रेल पास। ट्रेल पास तो सी आंसर जो मेरे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा यहाँ पर कौन सा है, उत्तराखंड और तिब्बत को जोड़ने वाला दर्रा है यहाँ पर थांगला दर्रा। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। देखो जितने भी पासिस हैं वहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा कहाँ पर स्थित है, तो जो राज्य में मुख्य भ्रंश रेखा स्थित है वो वृत्त और
मध्य हिमालय के बीच में हमें देखने को मिलती है, वृद्ध और मध्य हिमालय के बीच में देखने को ये हमें यहाँ पर मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, वैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय क्षेत्र में आने वाले अधिकांश भूकंपों के क्या कारण यहाँ पर हो सकते हैं? तो जितने भी हिमालय क्षेत्र में भूकंप आते हैं, वो एक तो जितने भी प्लेटें हैं, जो इंडो प्लेट हैं और जो चाइना प्लेट्स हैं, उसके अंदर जो है इंडो प्लेट यहाँ पर टकरा रही है, उसकी वजह से जो है तो भूकंप आते हैं, और दूसरा जो कारण है यहाँ पर भ्रंशों की उपस्थिति के कारण। तो जब भी इन प्लेटों में यहाँ पर हलचल होगी तो वो भूकंप हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी, ए और बी दोनों यहाँ पर कारण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा एक उत्तराखंड में स्थित यहाँ पर नहीं है? तो वो है यहाँ पर कुला कांगड़ी। कुला कांगड़ी उत्तराखंड में स्थित नहीं है। राइट आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड आता है? तो प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से उत्तराखंड है जोन 4 और 5 में हमें देखने को मिलता है। राइट आंसर जो है हमारे पास वो है यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो राज्य में सर्वाधिक जो वर्षा वाला क्षेत्र है वो है यहाँ पर बाय हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट बात करते हैं, राज्य में सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा वाला स्थान यहाँ पर कौन है उत्तराखंड के अंदर? तो वो है यहाँ पर नरेंद्र नगर टिहरी। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से उत्तराखंड के कौन से जिले पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं? तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो जो जिले हैं यहाँ पर टिहरी और बागेश्वर भी है, बागेश्वर और रुद्रप्रयाग भी है, बागेश्वर और अल्मोड़ा भी है। तो सभी जिले यहाँ पर पूर्णतः आंतरिक सीमाओं वाले जिले हैं, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट जो भारत का प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं, सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला जिला यहाँ पर कौन सा है? तो वो है यहाँ पर पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जो है सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा वाला यहाँ पर जिला है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा एक उत्तराखंड राज्य में यहाँ पर स्थित नहीं है? तो कौन सा दर्रा यहाँ पर उत्तराखंड में नहीं है? वो है यहाँ पर जो उत्तराखंड में यहाँ पर दर्रा नहीं है वो है यहाँ पर डेप्सा। डेप्सा जो है उत्तराखंड में यहाँ पर स्थित नहीं है। फिर हम बात करते हैं, राज्य में निम्न कस्बों में से कौन तराई क्षेत्र में स्थित है? तो वो है यहाँ पर औरंगाबाद और ज्वालापुर, सितारपुर और बाजपुर, काशीपुर और खटीमा। तो सभी यहाँ पर जो है वो तराई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में निम्न में से कौन सा भ्रंग लघु हिमालय और महान हिमालय को अलग करता है? तो वो है यहाँ पर मुख्य केंद्रीय भ्रंश। मुख्य केंद्रीय भ्रंश जो है वो लघु हिमालय और महान हिमालय को यहाँ पर अलग करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, शिवालिक श्रेणियों की यहाँ पर क्या ऊंचाई है? तो जो शिवालिक श्रेणी की यहाँ पर ऊंचाई है वो है 750 से 1300 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? तो उत्तराखंड का कुल जो क्षेत्रफल है वो है यहाँ पर 53483 वर्ग किलोमीटर। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो है यहाँ पर ए। फिर हम बात करते हैं, यहाँ पर शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम क्या है? शिवालिक श्रेणी का जो प्राचीन नाम है वो है यहाँ पर मेनाक पर्वत। राइट आंसर है हमारे पास ए। नेक्स्ट बात करते हैं, माना दर्रा कहाँ पर स्थित है? जो तो माना दर्रा स्थित है वो कहाँ पर है? यहाँ उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग का कौन से हिमालय के क्षेत्र में यहाँ पर पड़ता है? तो अल्मोड़ा का जो ऊपरी भाग है वो हमारे लघु हिमालय के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य को कितने जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो उत्तराखंड को कुल मिलाकर 6 जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का पामीर जिसे दुधातोली श्रेणी कहा जाता है वो किस क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है? तो वो मध्य हिमालय क्षेत्र में देखने को हमको मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि पहाड़ों की रानी यानी मसूरी किस श्रेणी का अंग है? तो ये जो है मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है, और उत्तराखंड का जो पामीर है वो भी मध्य हिमालय श्रेणी का अंग है। तो दोनों ही जो है रमणीय स्थल है, पर्यटक स्थल है, और दोनों ही जो है मध्य हिमालय क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वो है यहाँ पर बाढ़ावती उत्तरकाशी, ये यहाँ पर सही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस हिमालय का अधिकांश भाग वर्ष भर हिमाचलित यहाँ पर रहता है? तो वो रहता है यहाँ पर महा हिमालय का भाग। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, निम्न में से किस आपदा का राज्य पर सर्वाधिक विनाशकारी प्रभाव पड़ सकता है? तो वो है यहाँ पर भूकंप। भूकंप से ही हमें यहाँ पर बाढ़ देखने को मिलती है, हिमस्खलन हो सकता है, भूमिस्खलन यहाँ पर हो सकता है। तो सबसे अधिक जो विनाशकारी प्रभाव है वो हमारे पास यहाँ पर भूकंप का है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि लघु हिमालय किस क्षेत्र के मध्य में स्थित है? तो जो लघु हिमालय है वो शिवालिक और महा हिमालय के मध्य में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं,
भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, सरंकंठ दर्रा निम्न में से किसके मध्य यहाँ पर है? तो ये जो दर्रा हमें देखने को मिलता है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के बीच में हमें देखने को मिलता है, हिमाचल प्रदेश के बीच में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, थांगला दर्रा किस जनपद में स्थित है? जो थांगला जो दर्रा है वो उत्तरकाशी जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्न कथनों पर यहाँ पर विचार करना है और उसके हिसाब से हमें देखना है कि कौन सा यहाँ पर सही होगा। हम बात करेंगे यहाँ पर पहले कि राज्य का निचला जो हिमालय क्षेत्र है वो अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, बिल्कुल सही है। और हम बात करते हैं उसमें जो है हरिद्वार, ऊधम सिंह नगर, कुछ जो एरिया है वो देहरादून का भी इसमें आता है, तो ये काफ़ी आबादी वाला यहाँ पर क्षेत्र है। फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट, हमारे पास ऑप्शन हैं, बाह्य हिमालय क्षेत्र मुख्यतः वन अच्छा यहाँ पर है, तो बिल्कुल सही है। बाबर क्षेत्र में मृदा के मोटे निचले में देखने को मिलते हैं और तराई क्षेत्र में जो है छोटे यहाँ पर देखने को मिलते हैं, तो दोनों तीनों ही यहाँ पर सही हैं, तो सभी सही हैं। राइट आंसर तुम्हारे पास होगा वो होगा यहाँ पर डी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड के निम्न जनपद के समूहों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा यहाँ पर साझा करता है? तो वो है यहाँ पर पिथौरागढ़, चमोली और उत्तरकाशी, ये तीन डिस्ट्रिक्ट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड हिमालय के किस भाग में स्थित है? जो उत्तराखंड है वो हिमालय के पश्चिमी मध्य भाग में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के कौन से जनपद का क्षेत्र मुख्यतः तराई क्षेत्र में स्थित है? तो वो है यहाँ पर ऊधम सिंह नगर में। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में से किसमें दूनागिरी पर्वत शिखर स्थित है? तो वो है यहाँ पर चमोली में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित जनपदों में से कौन कोटादून अवस्थित है, कहाँ पर ये अवस्थित है? तो वो अवस्थित है यहाँ पर नैनीताल में, नैनीताल में यहाँ पर क्या है, कोटादून अवस्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, विंटर लाइन नामक प्राकृतिक घटना का दृश्य कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये मिलता है यहाँ पर मसूरी में, मसूरी और स्विट्जरलैंड दो ही ऐसे स्थान है जहाँ पर हमें विंटर लाइन देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है? तो जो राज्य की प्राकृतिक सीमा है नहीं है वो है यहाँ पर पश्चिम में यमुना नदी, पश्चिम में अगर हम बात करते हैं तो टोंस नदी यहाँ पर सीमा बनाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यहाँ पर सम्मिलित नहीं है? तो वो है यहाँ पर बढ़ावती दर्रा उत्तरकाशी, तो ये यहाँ पर सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, राज्य के कितने जिले उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं? तो राज्य के कुल 5 जिले यहाँ पर उत्तर प्रदेश से सीमा जो है बनाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उत्तराखंड का जो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला है वो है यहाँ पर चंपावत, और अगर हम बात करते हैं अधिकतम तो वो है यहाँ पर चमोली, ठीक है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, सुमलित कर सही उत्तर आपको यहाँ पर बताना है, और हम अगर हम बात करते हैं जो हमारे पास यहाँ पर नंदा देवी है वो हमने देखा है कि सबसे ऊंची चोटी है उत्तराखंड की, तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर 3। तो 3 पर अगर हम निशान लगाते हैं, एक है हमारे पास यहाँ पर 3 है, तो इससे भी आप पता लगा सकते हैं कि जो है हमारे ऑप्शन यहाँ पर कौन कौन से सही होंगे। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जो केदारनाथ है, केदारनाथ की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर उसकी जो लंबाई है, सॉरी कामेट जो पर्वत है, कामेट पर्वत की यहाँ पर कितनी लंबाई है वो है यहाँ पर 7756। पंचाचूली की कितनी लंबाई है तो वो है यहाँ पर 6904। फिर केदारनाथ की बात करते हैं तो यहाँ पर इसकी लंबाई है 6968, ठीक है। तो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर बी। तो एक एक को ही जानकर, मतलब एक अपने ऑप्शंस को ही जानकर आप जो है अपना आंसर यहाँ पर सही टिक कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नर और नारायण पर्वतों के मध्य क्या स्थित है? नर और नारायण पर्वतों के मध्य जो है वो कहाँ पर है, बद्रीनाथ के मध्य में स्थित है। नर और नारायण पर्वतों के मध्य बद्रीनाथ यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, किंकरी विंकरी नीति माना यहाँ पर क्या है? तो वो है यहाँ पर दर्रे। नेक्स्ट बात करते हैं, किस हिमालय क्षेत्र में वर्षा काल में सर्वाधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है? तो वो जाहिर सी बात है कहाँ मिलेगी हमें, बाह्य हिमालय में देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदा कोट पर्वत की चोटाई यहाँ जो है चोटी की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? तो वो है यहाँ पर 6861। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, स्लोगन हिमालय बचाओ देश बचाओ यहाँ पर किससे संबंधित है? तो वो है यहाँ पर सुंदरलाल बहुगुणा से। नेक्स्ट बात करते हैं, देहरादून का वाडिया हिमालय संस्थान किस लिए प्रसिद्ध है, यानी किससे संबंधित है? तो वो संबंधित है यहाँ पर भूविज्ञान से। नेक्स्ट बात करते हैं, नंदोर दून किस जनपद में स्थित है? तो यहाँ पर ये स्थित है नैनीताल में। राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर
बी नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न तिथियों में से किस तिथि को उत्तराखंड में हिमालय दिवस बनाया जाता है? तो वो बनाया जाता है यहाँ पर 9 सितंबर में, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, केदारनाथ में जल आपदा कब आई थी? तो जो केदारनाथ में जल आपदा आई थी वो आई थी यहाँ पर जून 2013 में। नेक्स्ट बात करते हैं, कौन सा ऑपरेशन उत्तराखंड से संबंधित है? तो ये जो ऑपरेशन संबंधित है वह है यहाँ पर ऑपरेशन सूर्या होप। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर पर्वतीय है? तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं लगभग 86 जो प्रतिशत है वो भाग यहाँ पर पर्वतीय है, और लगभग 13 दशमलव कुछ भाग जो है वो क्या है आपका मैदानी भाग है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाराहोती किस जिले में स्थित है? तो वो चमोली जिले में स्थित है, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा भी गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो मसूरी को यहाँ पर पहाड़ों की रानी कहा जाता है, कई बार ये प्रश्न यहाँ पर रिपीट भी किया गया है, तो रिपीट प्रश्न आपको कई बार देखने को मिलने वाले हैं। आपके लिए स्पेशल हम PYQ का जो प्रोग्राम है ये हमने यहाँ पर चलाया हुआ है, आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य के किस जनपद की सीमा राज्य के 7 जनपदों के साथ यहाँ पर मिलती है? तो वो कौन सा यहाँ पर जो है जिला है? तो वो है यहाँ पर पौड़ी गढ़वाल। पौड़ी गढ़वाल के साथ हमारी जो सीमा है वो 7 जनपदों के साथ मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है? जो लिपुलेख दर्रा है वो पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, पिथौरागढ़ जिले के मालपा में बादल फटने की घटना कब घटित हुई थी? तो ये जो घटना घटित हुई थी वो हुई थी यहाँ पर 17 से 18 अगस्त 1998 में, एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, दून घाटी किस जिले में स्थित है? तो दून जो घाटी है वो हमें देखने को मिलती है देहरादून में। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में भाबर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु हमें देखने को मिलती है? तो ये जो सही आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर उपोष्ण प्रकार की जलवायु दशाएं देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक गिरी दर्रा उत्तराखंड में स्थित यहाँ पर नहीं है? तो वो है यहाँ पर डिबसा दर्रा, पिछली बार भी एग्जाम में ये पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित दर्रों में से कौन से दर्रे से मानसरोवर धर्मात्री जो है गुजरते हैं? तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर लिपुलेख पास। लिपुलेख पास से यहाँ पर मानसरोवर धर्मात्री यहाँ पर गुजरते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है, नेक्स्ट बात करते हैं, पंचाचोली शिखर की समुद्र तल से ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? तो वह है यहाँ पर 6904 मीटर, एग्जाम में पहले भी पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि लब्बिया धुर्रा किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है पिथौरागढ़ और तिब्बत को, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से सरंगटक जो दर्रा है वो किसको यहाँ पर जोड़ता है? तो जो दर्रा है ये उत्तरकाशी और हिमाचल प्रदेश को यहाँ पर कनेक्ट जो है करता है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो एग्जाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण है हमारे पास जो प्रश्न है, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि थांगला डुरिंगला निलंग और लमलंग जो दर्रा है वो यहाँ पर क्या है? तो ये है यहाँ पर दर्रे। तो राइट आंसर जो हमारे पास होगा वो यहाँ पर सी। नेक्स्ट बात करते हैं, दूनागिरी हिम ग्लेशियर कहाँ पर स्थित है? तो ये चमोली ज़िले में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि निम्नलिखित किस पर्वतीय स्थान को महात्मा गांधी जी ने भारत का स्विट्जरलैंड यहाँ पर कहा है? तो वो कहा है यहाँ पर कौशानी को। नेक्स्ट बात करते हैं, कामेट शिखर की ऊंचाई यहाँ पर कितनी है? तो 7756 मीटर की ऊंचाई जो है वो कामेट की है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड के किस जिले का क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे अधिक है? तो चमोली जिले का क्षेत्रफल सबसे अधिक है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का सबसे लंबा हिमनद कौन सा है? तो उत्तराखंड का जो सबसे लंबा हिमनद है वो है यहाँ पर गंगोत्री, जो लगभग 76 किलोमीटर के आसपास हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? उत्तराखंड में जो दूसरी सबसे ऊंची चोटी है वो है यहाँ पर कामेट और पहली है नंदा देवी। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? उत्तराखंड का सबसे जो पूर्वी जिला है वो है यहाँ पर पिथौरागढ़। राज्य के कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं, कितने जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो कुल मिलाकर बात करते हैं, 5 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा से यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे ऊंची यहाँ पर चोटी है? तो चौखंबा जो है यहाँ पर सबसे ऊंची चोटी है। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ यहाँ पर स्थित नहीं है? तो उत्तराखंड का जो अल्मोड़ा जिला है वो यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्थित नहीं है, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, लघु हिमालय को दून से निम्न में से किसके द्वारा पृथक किया
जाता है, तो वो कहता है यहाँ पर मुख्य सीमा थ्रस्ट को, राइट आंसर हमारे पास जो होगा वो होगा यहाँ पर ए। तो ये क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए पी वाई क्यू के जो क्वेश्चन हैं एम सी क्यू के फॉर्म में, तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, धन्यवाद, जय हिंद।